अज़ीज़ हाज़रीन, मेरी इज्जतदार माँ बहनों, मैं बलीग़ुज़्ज़मा नौमानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक छोटा सा खादिम यहाँ पर इसलिए मौजूद हुआ आया तो मैं एक शिकायत के साथ था। मुझ पर एक मैसेज आया कि डिग्निटी एंड जस्टिस फॉर चंद्रशेखर रावण। मुझे महसूस ये हुआ कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए जस्टिस क्यों मांगा जा रहा है। लेकिन जब मैं यहां पर आया, मैं शुरू में ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब अशोक भारती साहब का कि मैंने बैनर में देखा कि यहां पर पहलू खान की भी बात हो रही है, यहां पर अखलाक की भी बात हो रही है, यहां पर रोहिल्ला की भी बात हो रही है। वक्त बहुत थोड़ा सा है, मैं समझता हूं इस बात को, इसलिए तीन चीजों में मैं बात रखना चाहूंगा। इस भारत में पहले क्या था, अब क्या है और क्या होना चाहिए। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो यहां पर बैनर पर एजुकेशन लेडी सावित्री जी मौजूद है। अगर इन्हें किसी मुस्लिम ने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए जगह ना दी होती तो क्या एजुकेशन का स्तर इतना बढ़ सकता था। यहीं पर रेस्पेक्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी पिक्चर है। अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम्स ने इनका साथ ना दिया होता तो क्या ये संविधान निर्माता बन सकते थे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये बुनियाद है इस हिंदुस्तान की, इस भारतवर्ष की, कि जब जब दलित और मुस्लिम साथ खड़ा हुआ है हम लोगों ने इतिहास बनाया है।